हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हम ये जो एचओडी होम का जो कंटेंट है उसको हमने क्रिएट किया था, उसके लिए एचओडी फोल्डर के अंदर हमने होम डॉट एचटीएमएल को क्रिएट किया था। तो अब यहाँ पर जो हमारा लॉगिन सिस्टम है, ये जो हमारा लॉगिन पेज है, वहाँ पर मैं अगर ये एडमिन एडमिन लिख के लॉगिन करता हूँ तो मैं, सॉरी ये कैपिटल था इसलिए वो लॉगिन नहीं हुआ, एडमिन एडमिन, तो ये मेरा लॉगिन हो गया है और यहाँ पर आ गया दिस इज एचओडी पैनल। तो ये जो दिस इज एचओडी पैनल आपको ये दिखाई दे रहा है वो हमारे एचटीटीपी रिस्पॉन्स से आ रहा है। तो हमें ये जो हमें व्यूज डॉट पी वाई में जो हमने फंक्शन लिखा था, तो मैं मेरी व्यूज डॉट पी वाई को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने लिखा था रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स दिस इज एचओडी पैनल। तो इसको अब हम इरेज करेंगे और इसकी जगह पर एचटीएमएल टेम्पलेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पर हमें रीडायरेक्ट कहाँ कराना है, तो रीडायरेक्ट कराना है हमें होम पर। इसका नाम भी होम हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्टाफ के लिए स्टाफ होम क्रिएट करेंगे तब यहाँ पर हमें दिक्कतें आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टाफ, सॉरी एचओडी होम, एचओडी अंडरस्कोर होम। इसको सेव किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पर रिटर्न रिडायरेक्ट एचओडी होम। तो एक बार फिर लॉगिन पर ये हम चेक कर लेते हैं कि ये हमें कहाँ पर रिडायरेक्ट कराता है। और यहाँ पर एक दिक्कत और है कि ये पासवर्ड हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे लॉगिन डॉट एच टी एम एल में। तो ये जो लॉगिन डॉट एच टी एम एल में ये जो पासवर्ड वाला जो इनपुट इनपुट फील्ड है, इसमें टाइप टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट की जगह पर आपको लिखना है पासवर्ड। तो ये पासवर्ड के फॉर्मेट में हमें मिलेगा। तो इसको हमने किया रिफ्रेश एडमिन, अब ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये मैंने एडमिन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, ये जो हमारा सुपर यूज़र था उसकी आईडी लिख के मैंने लॉगिन किया, तो मैं रिडायरेक्ट हो गया एचओडी होम पर। और इसके जो कुकी होगी वो यहाँ पर 2 आ गई। तो अब हम यहाँ पर लॉग इन तो हो गए, अब इसको लॉग आउट भी हमें कराना पड़ेगा। तो लॉग आउट कराने के लिए हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा डू लॉग आउट का। तो चलिए इसके लिए यू आर एस डॉट पी वाई में आएंगे और ये जो हमारा लॉग इन पाथ है उसके अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डू लॉग आउट और इसमें लिखेंगे व्यूज डॉट डू लॉग आउट और उसका नाम रखेंगे लॉग आउट, और इसके फंक्शन को व्यूज डॉट पी वाई में क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर हमें फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पर लॉग आउट, हमने जब लॉगिन सिस्टम को क्रिएट किया था तब हमने ऑथेंटिकेट और लॉग आउट और लॉगिन को इंपोर्ट करवाया था, तो इसमें से हमने लॉगिन को यूज़ किया है, अब हम यूज़ करेंगे लॉग आउट का। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग आउट और इसके अंदर लिखेंगे रिक्वेस्ट। लॉग आउट हो जाने के बाद हमें इसको रिटर्न कहाँ कराना है, तो इसको रीडायरेक्ट कराएंगे लॉगिन पेज पर। तो यू आर एस में आएंगे, इसको हमें कौन से पेज पर इसको रिडायरेक्ट कराना है, तो इसको हम ये लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर लिख दिया लॉगिन, सॉरी ओके लॉगिन। अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं लॉग आउट, जो उसके पहले हमें यहाँ पर लिंक देनी पड़ेगी। तो ये जो लॉग आउट बटन है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लॉग आउट आ रहा है, तो ये लॉग आउट में हमें इसका यूआरएल देना पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ें हमारी है, हमारे इंक्लूड कराया था, ये बेस फाइल में इंक्लूड हो रही है, तो बेस फाइल में ये हेडर के अंदर होगी। तो इसके अंदर हम लॉग आउट को खोजेंगे। तो ये रहा हमारा लॉग आउट, इसका जो एच रेफ है यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से ब्रैकेट में यूआरएल, फिर वो जो हमारा लॉग लॉग आउट में हमने नाम दिया था लॉग आउट, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग आउट। जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तब यहाँ पर लॉग आउट हो जाएंगे। तो ये लॉग आउट पर मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर लॉग आउट हो गया।
और मैं रीडायरेक्ट हो गया मेरे लॉगिन पेज पर। अभी भी यहाँ पर एक दिक्कत है, उसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो ये मैं अभी लॉग इन नहीं हूँ, मेरी जो कुकी है वो भी टू है, मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ। शायद कोई और कुकी होगी, वो यहाँ पर सेव हो रही है। तो कुकी क्लियर, मेरे मतलब कि हम यहाँ पर लॉग इन नहीं है। तब भी हम जो हमारा HOD होम है वहाँ पर हम एक्सेस ले सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसको एक्सेस करके। तो ये URL को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो मैं अगर लॉग इन नहीं हूँ, मैं लॉगिन नहीं हूँ तब भी ये पेज हमें मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लॉगिन है तब भी ये पेज हमें मिलना चाहिए। कोई आके इस तरीके से पेस्ट करेगा तो अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो फिर से वो आ जाएगा लॉगिन पेज पर। तो इसके लिए हम डेकोरेटर का यूज़ करेंगे। तो डेकोरेटर को हमें सबसे पहले इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। तो जो ये जो हमारी views.py है वहाँ पर इसको इम्पोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्री डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर डेकोरेटर इम्पोर्ट लॉगिन रिक्वायर्ड। ये हमने डेकोरेटर को इम्पोर्ट करा लिया, पर एक दिक्कत है कि इसको हमें ये पेज में भी हम प्रोफाइल अपडेट के फंक्शन लिखेंगे तब इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ हमें करना है HOD होम में। तो HOD व्यूज़ HOD होम हमारा है HOD व्यूज़ डॉट पी वाई में। तो ये डेकोरेटर को यहाँ पर भी इम्पोर्ट कराएंगे और सिंपल आपको एक लाइन का कोड लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे @ लॉग इन रिक्वायर्ड और इसका जो लॉग इन URL है उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको मैंने सेव किया, हमें सिर्फ इतना ही लिखना है। आपको सिर्फ ये डेकोरेटर को इम्पोर्ट कराना है और फिर आपको ये एक लाइन का कोड लिखना है। अब इसको मैं अभी लॉग इन नहीं हूँ, यानी कि जो मेरे कुकी है वो ज़ीरो है। तो मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा मेरे जो लॉग इन पेज पर। मैं यहाँ पर एक्सेस नहीं ले सकता लॉग इन किए बिना। मैं फिर से आपको बताता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया। अगर कोई आके इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेगा फिर भी वो लॉग इन नहीं हो पाएगा, वो रिडायरेक्ट कर लेगा लॉग इन पेज पर। तो अब हम इसको यूज़र नेम जो हमारी ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉग इन करेंगे। तो हम लॉग इन हो गए HOD होम पर। अगर मैं ये कुकी को क्लियर कर लेता हूँ, तो ये मैंने कुकी को क्लियर किया, रिमूव डन, एक बार रिफ्रेश करूँगा तो फिर से आ जाऊँगा लॉग इन पेज पर। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी भी हमें चाहिए, क्योंकि कोई आके इस तरीके से कॉपी पेस्ट करेगा तो वो एक्सेस ले सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने ये फंक्शनलिटी को क्रिएट की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।